ऑटिज्म एक बहुत ही परेशान करने वाली समस्या है। इसमें बेसिकली सोशल इंटरैक्शंस और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम से बच्चा सफर करता है। काफी तरह की थेरेपीज लगती हैं और इन बच्चों को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए पेरेंट्स को वाकई में बहुत परेशान होना पड़ता है। आजकल हमारे आसपास के बच्चों में कॉमनली ऑटिज्म के केसेस आने लगे और पिछले कुछ सालों में टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF का चलन भी बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि मन में ये सवाल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ऑटिज्म के केसेस ज्यादा दिख रहे हैं ये इसलिए हैं कि संतानहीनता के इलाज से इसका कोई संबंध है? क्या IVF के बेबीज को ऑटिज्म का खतरा नॉर्मली कंसीव बेबीज से ज्यादा होता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हर दंपत्ति चाहता है कि उसे जो भी बेबी हो वो मेंटली और फिजिकली नॉर्मल हो। मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि ऑटिज्म और IVF इनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन से वो मेन ट्रायल्स हैं जो इस विषय को टैकल करते हैं और उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े कोहोर्ट्स को फॉलो करती हैं वो एसोसिएशन बता सकती हैं, यानी कि ये कंडीशन इस कंडीशन के साथ में कितनी पाई जाती है। परंतु एसोसिएशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन, यानी ये दोनों चीजें एसोसिएटेड हैं परंतु एक दूसरे का कारण नहीं है। इसीलिए जब भी हम ऑटिज्म के स्टडीज को भी इंटरप्रेट करेंगे तो हमें बहुत कॉशन का इस्तेमाल करना है। ये एसोसिएशन हो सकता है, कॉजेशन हो ऐसा आवश्यक नहीं। इसकी जो सबसे रिसेंट स्टडी है वो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा में 2023 में पब्लिश हुई है। इसका जो सैंपल साइज था वो बहुत ही बड़ा था। कनाडा का लगभग 12 लाख बच्चों का कोहोर्ट उन्होंने फॉलो किया, जन्म से लेके 4 साल तक फॉलो किया और उसमें उन्होंने पाया कि जो बच्चे नेचुरली कंसीव्ड हैं और उनके पेरेंट्स को इनफर्टिलिटी की कोई हिस्ट्री नहीं थी उनमें ऑटिज्म का प्रेवलेंस 1.9 पर 1000 बेबीज था। जब पेरेंट्स को इनफर्टिलिटी थी तो यही जो इंसिडेंस है वो था 2.5 पर 1000, यानी कि नेचुरली कंसीव्ड बच्चों की अपेक्षा 2.5 और 1.9 पर 1000, यानी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है बट है। जब IVF बेबीज की बात आती है तो ये जो प्रेवलेंस था वो था 2.7 पर 1000। अब ये आंकड़े देख के ऐसा लग सकता है कि ऑटिज्म IVF बेबीज में ज्यादा होता है, पर जब हम बाकी कंफाउंडिंग फैक्टर्स के लिए मैच करते हैं, यानी कि जब IVF होता है तो कई बार ट्विन प्रेगनेंसी होती है, कई बार माँ का वजन ज्यादा होता है, कई बार और मेटाबॉलिक इश्यूज रहते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, कई बार सिजेरियन डिलीवरीज ज्यादा होती है IVF बेबीज में, तो जब इन सब फैक्टर्स को हम एडजस्ट करते हैं तो इस आर्टिकल का ये कंक्लूजन था कि सब फर्टिलिटी यानी इनफर्टिलिटी के केसेस में ऑटिज्म थोड़ा सा ज्यादा रहता है और वो डिफरेंस है केवल 0.6 पर 1000, यानी कि 10,000 बच्चों में से 6। परंतु ये कोरिलेशन हो सकता है, कॉजेशन नहीं हो सकता है। साथ ही साथ IVF ट्रीटमेंट से ऑटिज्म का इंसिडेंस नहीं बढ़ता है, ऐसा इस पेपर का कंक्लूजन था। एक और स्टडी थी जो कि USA से आई थी, उसका नाम था US मोजार्ट स्टडी। उसमें उन्होंने IVF से कंसीव्ड सिंगल बेबीज को स्टडी किया और उन्होंने पाया कि नेचुरली कंसीव्ड और IVF कंसीव्ड बेबीज में ऑटिज्म में किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है। एक कैलिफोर्निया से जरूर स्टडी आई थी जो कहती थी कि ICSI से जो कंसीव्ड होते हैं बच्चे उनमें ऑटिज्म मार्जिनली ज्यादा पाया जाता है, पर इस स्टडी में बहुत सारे मेथोडोलॉजिकल इश्यूज थे जिसके कारण इसके जो कंक्लूजन्स हैं उसे हम कॉजेशन नहीं मान सकते। हकीकत कुछ भी हो, ये जो फील्ड है इसमें हमें और रिसर्च की आवश्यकता है, इसमें हमें और ज्यादा अच्छा एविडेंस चाहिए और ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं जो ऑटिज्म के केसेस को बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं उन सब को साइंटिस्ट और हम सब डॉक्टर्स की सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पता करें और इस ऑटिज्म के बढ़ते हुए मेनेस को हम रोकें जिससे कि आप सब एक स्वस्थ बच्चे के माता पिता बन सके। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।